जनपद आगरा में 27 तारीख की सुबह और 28 तारीख को। कुछ ऑक्सीजन की किल्लत थी, इसमें हम लोगों ने जो अपनी लोकल व्यवस्था की थी, हमारे यहाँ एक एयर टू ऑक्सीजन प्लांट था सिकंदरा में, वहाँ लगभग 900 सिलेंडर हमें 24 आवर्स में वहाँ से मिल जाते थे। इसके अलावा हम लोगों ने जो अपना एक ऑक्सीजन बैंक बना रखा था सेंट पीटर्स में 150 ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, जहाँ भी कमी होती थी वहाँ 5-5 की संख्या में हम लोग भेजा करते थे। इस पारस के केस में भी सर्वप्रथम हम लोगों ने 5 सिलेंडर भेजे, जब इनकी और रिक्वायरमेंट हुई और इनके जो नॉर्मल वेंडर थे मिस्टर त्यागी वो सप्लाई नहीं कर पाए, पार्थ जो हमारा एक अच्छा सप्लायर था उसने इस समय काफ़ी मेहनत किया था, उनके द्वारा भिजवाया गया। बीच में जैसे मैंने पब्लिकली अपने 3 जो हीरोज हैं हमारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया था खासकर इस 2 दिनों में, वहाँ से हम लोग रात में 2 बजे 3 MT का हम सिलेंडर लेकर हम ऑक्सीजन लेकर के आए वहाँ से। जैसे ही आने के बाद जो हमारे 14 हॉस्पिटल हैं जो LMO पर डिपेंडेंट थे वहाँ उनको भर दिया गया, और बाकी जो हमारे IMA के हॉस्पिटल्स थे वहाँ सिलेंडर की आपूर्ति पर्याप्त हो गई। 27 की सुबह के बाद रात में हमें फिर UP गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे 2 टैंक आए थे, चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था उसको ख़त्म करने में 48 घंटे लगे थे, लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और LMO काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था, फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसवे चलने लगे, इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली, धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट भर्ती थे उसमें से 4 डेथ हुई हैं, 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में ICU के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास ICU के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा और इसमें जो भी आगे कार्रवाई। सतत 24 कलाक समाचार जो डाउनलोड करो ETV भारत।